हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोइम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है विलियम वॉर्ड्सवर्थ का लिखा डैफोडिल्स। ये जो पोइम है ये एक लिरिक पोइम है। इस पोइम का राइम स्कीम है ABABCC और ये आईएम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। इस पोइम में टोटल 24 लाइन है, जिसमें 4 स्टांजा है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइंस है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस टाइटल को देखिए पोएम की, डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स एक फूल का नाम है और उस फूल के नाम से ये पोएम लिखा गया है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पोएम जब विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने लिखे थे इसका टाइटल डैफोडिल्स नहीं था। इसका टाइटल था, इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इसका टाइटल था। लेकिन बाद में इस टाइटल को चेंज करके पब्लिश किया गया था डैफोडिल्स नाम से। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था, घूम रहा था। वॉन्डर्ड का मतलब पोएट जो है विलियम वॉर्ड्सवर्थ, वो कहीं पर घूम रहे थे ऐसे ही। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और वो किस तरह से घूम रहे थे, एक क्लाउड की तरह, बादल की तरह वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। एक बादल जैसे क्या करता है, फ्लोट्स का मतलब वो तैरता रहता है, हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, पहाड़ों में घाटियों में जैसे एक बादल ऊंचाई में घूमता रहता है बिना कोई काम के और बिना कोई मकसद का, जैसे वो ऐसे ही फ्रीली, यहाँ फ्रीली दिखाया गया है। तो पोएट जो है वो भी ऐसे ही कहीं पर घूम रहे थे, ठीक है, क्लाउड्स की तरह। और नेक्स्ट लाइन में वो बताते हैं, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, यहाँ पर देखिए क्राउड से उन्होंने पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है। तो क्राउड का मतलब होता है लोगों की भीड़, लेकिन यहाँ पर व्हेन ऑल एट वंस, और जब मैं ऐसे भटक रहा था, घूम रहा था फ्रीली, तब मुझे दिखाई दिया अचानक, आई सॉ अ क्राउड, एक भीड़, यहाँ पर डैफोडिल्स फूल की भीड़ उन्हें दिखाई दिया, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। और मैंने क्या देखा, अ होस्ट मतलब होता है एक झुंड डैफोडिल्स फूल का, सुनहरा, गोल्डन मतलब होता है सुनहरा, डैफोडिल्स फूल का उन्हें एक झुंड दिखाई दिया। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और ये जो मैंने डैफोडिल्स फूल देखे थे ये कहाँ पर मैंने देखा, बिसाइड द लेक, झील के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हल्का हवा बहना। और ये जो फूल थे, ये सारे डैफोडिल्स फूल क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग मतलब झूमना, एंड डांसिंग मतलब नाचना, इन द ब्रीज, हवा धीमी धीमी हवा चल रही थी और हवा के साथ ये सारे जो फूल थे ये हिल रहे थे और डांस कर रहे थे। उसके बाद वाला स्टैंजा में पोएट बताया है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ये जो डैफोडिल्स फूल थे ये इतनी खूबसूरती के साथ जैसे चमक रहे थे, किस तरह से जैसे स्टार्स, तारे चमकते हैं, ट्विंकल का मतलब यहाँ चमकना, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे में जिस तरह से आसमान में तारे चमकते हैं, उसी तरह ये डैफोडिल्स फूल जो है मुझे दिख रहा है कि जैसे ये सारे डैफोडिल्स फूल चमक रहे हैं। दे स्ट्रेचेड इन नेवर एंडिंग लाइन, और विश्वास कीजिए ये इतनी दूर तक फैला हुआ था, ये डैफोडिल्स फूल इतने सारे थे, यहाँ पर वो मतलब क्वांटिटी बताना चाहते हैं कि ये खूबसूरत डैफोडिल्स फूल इतनी दूर तक फैला हुआ था जैसे नेवर एंडिंग लाइन, इसका कतार और लाइन कभी ख़त्म ना हो। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, बे का मतलब होता है सागर, लेकिन यहाँ पर बे ये जो पहले बता दिया था कि लेक के बगल में था, तो लेक के किनारे तक, वो यहाँ तक बताना चाहते हैं कि ये जो डैफोडिल्स फूल है ये इसका कहाँ जाके ख़त्म हुआ है, एकदम लेक के किनारे तक जाके ख़त्म हुआ है। और फिर वो कहते हैं, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब एक बार में देखना, तो वो क्वांटिटी बताने के लिए बोल रहा है कि कम से कम 10,000 फूल मुझे एक ही बार में दिख रहा है, टोजिंग देयर हैंड्स हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टोजिंग का मतलब हिलाना, ये जो सारे फूल थे ये अपनी जो है मतलब हेड है, सर है, उसे हिला रहे इन स्प्राइटली डांस, और आनंद के साथ जॉयफुली क्या कर रहे हैं वो लोग, डांस कर रहे थे। नेक्स्ट अंजा में पोएट बताते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और यही नहीं, जो लेक है यहाँ पर, झील है, उस झील का जो पानी था, वेव्स था, वो भी जैसे इन डैफोडिल्स फूल के साथ खुशियों से डांस कर रहे थे। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन विश्वास कीजिए ये डैफोडिल्स फूल का जो गान मतलब नाच था, डैफोडिल्स फूल
जैसे नाच रहे थे, वो आउटडेट का मतलब उसे क्रॉस कर जाना, वेब से बेहतर नाच रहे थे, स्पार्कलिंग का मतलब यहाँ चमकना और नाचना खुशियों से, ग्ली का मतलब आनंद में। तो वेव्स जो डांस कर रहे थे उससे अच्छा डांस कर रहे थे कौन, ये जो डैफोडिल्स फूल है ये सारे डांस कर रहे थे वेव से भी अच्छा। अ पोएट कुडंट बट बी गे, और विश्वास कीजिए एक पोएट, मेरे जैसा कोई पोएट बिना आनंद लिए, खुशियों से पागल ना होके वो रह नहीं पाएगा। इतना एक सुंदर चीज देख के, इतना अच्छा एटमोसफियर, फूलों का खिलना और यहाँ पर नाचना, इतने सारे फूल एक साथ देख के, कोई भी पोएट ऐसा नहीं है जो बिना खुशी हुए, बिना वो झूमे रह सकता है। इन सच अ जोकंड कंपनी, और इस तरह जोकंड मतलब फ्रेंडली, कंपनी का मतलब कोई साथी, अगर इस तरह से कोई फ्रेंडली और खुशियाँ भरी, और इस तरह से कोई फ्रेंडली कोई दोस्त अगर मिल जाए डैफोडिल्स फूल की तरह, तो कोई भी ऐसा पोएट नहीं है जो बिना खुश हुए रह पाएगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता ही रहा, मैं देखता ही रहा, गेज्ड मतलब देखना, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अभी देख रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन ये जो डैफोडिल्स फूल है ये एक्चुअली मुझे दिखाना क्या चाहता है, और वेल्थ का मतलब होता है मैं क्या लेके जा रहा हूँ, हैड ब्रॉट मतलब वो दिखाना क्या चाहता है। असल में अभी मैं देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है, लेकिन मैं जब चला जाऊँगा तब तो ये मेरे साथ नहीं जाएगा। तो एक्चुअली ये फूल जो मुझे अभी यहाँ पर एज ए प्रेजेंट मिला है, इसका जो शो कर रहा है ये फूल, इसका वेल्थ मेरे साथ क्या लेके जाने वाला हूँ, और उसका जवाब वो लास्ट अंजा में देते हैं, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय कोच आई लाई, हाँ मैं इस फूल का जो इमेज है वो मैं अपने दिमाग में ये खुशियाँ लेके जाऊँगा, और जब फॉर ऑफन मतलब कभी कभी, व्हेन ऑन माय कोच जब मैं अपने चेयर में, कोच का मतलब होता है सोफ़ा टाइप का एक चेयर जिसमें मैं जब बैठा रहूँगा आई लाई या फिर सोया रहूँगा, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मेरा कोई काम नहीं रहेगा, वैकेंट का मतलब होता है खाली समय पे, और पेंसिव मतलब दुख भरी कोई अगर मूड मेरी दिमाग में आएगा, जब मेरा मैं जब दुख में रहूँगा और जब मैं बैठा रहूँगा, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब ये जो फूल है यहाँ पर खिला हुआ, इतने सारे फूल डैफोडिल्स का, ये जो वेल्थ मैं अपने दिमाग में लेके जा रहा हूँ, तब वो मेरे दिमाग में फ्लैश होगा। इनवर्ड आई का मतलब अंतर आत्मा का जो दिमाग होता है, जो आईज होता है, जो आँख होता है, उसमें मैं इसे दोबारा देखूँगा। विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये ब्लीस का मतलब होता है आशीर्वाद, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, जब मैं अकेलापन में रहूँगा, अकेला रहूँगा, मेरे अंदर दुख होगा, तब ये डैफोडिल्स फूल का जो इमेज है, ये जो खूबसूरती है, ये मेरे दिमाग में फिर से फ्लैश होगा और आशीर्वाद की तरह उस वक्त मेरा काम में आएगा। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब उस वक्त मेरा जो हृदय है वो फील हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, किससे, प्लेजर आनंद से, क्योंकि जब मैं इसे महसूस करूँगा तब भी मुझे उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ही खुशियाँ मिलेगी। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा जो हृदय है, हार्ट है, और मैं खुद और मेरा दिमाग इन डैफोडिल्स फूल के साथ मैं नाचता रहूँगा और गाता रहूँगा।